हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सफिया खान। आज आप लोग साथ मैं शेयर कर रही हूं विंटर स्किन केयर रूटीन। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रात का टाइम है तो अभी मैं जस्ट अपने रूम में आई थी अपना फेस वॉश करके, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना विंटर स्किन केयर रूटीन आप लोग साथ शेयर भी कर लूं और मेरा स्किन केयर रूटीन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी। तो सबसे पहले हमको बताना चाहूंगी, हमें अपना फेस क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आपके फेस पे कोई भी मेकअप है या फिर आप कहीं बाहर से आए हो तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है विद द क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क के साथ अपना फेस क्लीन कर लेना है आपको। ये मेरे पास है अयूर का, या फिर अगर आप मतलब क्लींजिंग मिल्क के साथ नहीं जाना चाहते तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये है जॉनसन्स का। ठीक है, तो ये दोनों ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके फेस पे मेकअप है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेट टाइम तक मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। मैंने अपना फेस वॉश किया था निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश टर्मरिक, इसके साथ मैंने अपना फेस वॉश किया था। बट अगर आप चाहो, आपके पास ये नहीं है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। बिकॉज अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं अपना स्किन केयर रूटीन दिखा रही हूँ पर्सनली, बिकॉज मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई है और अभी मेरे स्किन पे काफी एक्ने भी हो रहे थे तो मैं इसको यूज कर रही थी। और वैसे भी विंटर्स में ना मैं क्रीमी जो फेस वॉशेस आते हैं मैं उनको यूज करती हूँ, लाइक जेल वगैरह जो फॉर्मिंग फेस वॉश वगैरह आते हैं उनको मैं इग्नोर करती हूँ विंटर्स में। ठीक है, तो आप लोग भी क्रीमी फेस वॉशेस यूज किया करो। मेरे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, हिमालय ये केसर फेस वॉश है, ये भी काफी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप आपको ये सूट कर जाएगा। सेकेंड मेरे पास है निविया फेस वॉश, जिससे अभी डेट टाइम मैंने अपना फेस वॉश किया है। आप देख सकते हो मेरी स्किन पे अभी कुछ भी मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ है, जस्ट अभी मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी, ये है मेरे पास गुड वाइब्स का टोनर। ये मेरे पास फिलहाल तो ये एम्प्टी बॉटल है, इसमें मैंने अपना रोज वाटर पोर कर लिया था। तो मैं अपने फेस पे पहले तो मतलब टोनिंग अप्लाई करूंगी। टोनर आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, कोई भी सीजन हो, चाहे विंटर हो, समर हो, मानसून हो, कोई भी सीजन में आपको टोनर नहीं स्किप करना होता। बिकॉज अगर आप टोनर अप्लाई नहीं करोगे ना तो आपके पोर्स वगैरह काफी विजिबल हो जाएंगे, कि आपको ना पोर्स को हाइड भी कर देता है एंड क्लीन भी रखता है, तो आपको टोनर जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना टोनर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। जस्ट मेरा फेस मतलब अभी बहुत ना मतलब क्लीन था। मैंने आज एक मेकअप वीडियो भी मतलब शूट की थी, वो भी आप लोगों के साथ मैं जल्द ही मतलब शेयर करूंगी। पता नहीं पहले ये वीडियो जाएगी या मेकअप की वीडियो जाएगी, खैर वो तो बातें मतलब वो बातें दूसरी हैं। चलिए यहाँ पर मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी, अपने फेस पे लगाऊंगी कोई भी एक अच्छा सा मतलब मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो आप इसके साथ भी जा सकती हो। ये है लैक्मे पीच मिल्क। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू मतलब ऑयल स्किन टाइप है तो आप इसको जा सकते हो। अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है तो एक दो घंटे बाद आपको इससे भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मैं आपको चॉइस दिखाऊंगी अपना। ये है मेरे पास जॉयका स्किन फ्रूट, ये काफी अच्छा है। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू मतलब ब्रांड्स तो अलग अलग हैं बट दोनों ही अच्छे हैं। ये थोड़ा ज्यादा थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा थिक है इसकी मतलब, और उसकी थोड़ा सा लाइट है। ये लैक्मे जो मतलब हमारा मॉइस्चराइजर है, ये वैसे मेरा फेवरेट है, इसको हर मेकअप में आपको दिखाती हूँ। आप देख सकती हो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस पे दिखाती हूँ लगा के। अभी मैं अपने फेस पे अपना स्किन केयर रूटीन करूंगी, अपने फेस पे इसलिए नहीं लगा के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा ऐसा है, लाइट उसका फॉर्मूला है, ये इसका थोड़ा थिक है। ठीक है, तो अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है तो आप इस वाले के साथ जाना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपकी कुछ ज्यादा ही ड्राई स्किन है तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये है हमारा निविया क्रीम, ये ब्लू वाला जो आता है ये वो है, एंड इसको मैंने अभी बाय किया है, एक दो दिन हो गए तभी आया था मेरा मतलब पार्सल, मैंने अपने पैसों से बाय किया था। इसकी भी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा थिक है, मेरी टेबल पर जंगा भी नहीं है सब सामान रखने का। आप देख सकते हो इसको भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्मेल लेकिन बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग देख लेना आपको किसके साथ जाना है। ठीक है, मैंने आपको थ्री ऑप्शंस दिखा दिए हैं। जॉय है हमारा, ये है हमारा लैक्मे, आप इसके साथ भी जा सकते हो। थर्ड वन है हमारा निविया। ठीक है, तो ये तीनों मॉइस्चराइजर्स अच्छे हैं, ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाएंगे। ठीक है,
अगर आप मतलब कोई सीरम अप्लाई नहीं करना चाहते हो, टीनेजर हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, रोगन बादाम शीरीन 100% प्योर बादाम ऑयल है ये। अगर आप मतलब सिर्फ इसको लगाना नहीं चाहते तो कोई भी मॉइस्चराइजर में इसके थोड़े से ड्रॉप्स लगा के अपने फेस पे लगा के छोड़ सकते हो इन नाइट के टाइम पे। काफी ऑप्शंस आपको दिखा दिए हैं मॉइस्चराइजर के, बट डेट टाइम मैं क्या यूज कर रही हूँ अपने स्किन पे, मैं यूज कर रही हूँ ये स्किन सॉल्व बेलाविटा ऑर्गेनिक बटर बाम। ये काफी अच्छा है। रिसेंटली मैंने इसका एक हॉल वीडियो एंड स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था बेलाविटा ब्रांड का, तो आप लोग देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ टोनर लगाने के बाद मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ ये बटर बाम। काफी हाइड्रेटिंग है ये एंड काफी अच्छा है एकदम। इसका ना मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा टेक्सचर है, आपकी स्किन को ना मतलब रात तक इतना रिपेयर कर देगा। और आपके फेस पे कोई भी रैशेज हो जाते हैं ना तो उसको भी ये मतलब सॉल्व कर देगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स। ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं आपको जस्ट को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आ रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जल्दी से अच्छे से मैं अपने फेस पे इससे मसाज कर लूंगी थोड़ी देर तक, मतलब 1-2 सेकंड तो आपको अपनी स्किन पे इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोई मैं ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट नॉर्मल जैसे हम कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं जस्ट वो आपको मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको ये क्रीम लगा लेनी है एंड आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है ना, बहुत ही ज्यादा बटर बटर जैसी हो गई है, बहुत ही ज्यादा ग्लोई लग रही है मेरी स्किन। तो अच्छा है ये मतलब बटर बाम तो मुझे काफी अच्छा है। अंडर आई क्रीम के लिए मेरे पास है ये बादाम 100% प्योर ऑयल, तो आप इस आलमंड ऑयल को भी अपने अंडर आई एरिया पे लगा सकते हो, इससे भी आपके डार्क सर्कल्स चले जाते हैं। बट डेट टाइम मैं यूज कर रही हूँ बेलाविटा आई लिफ्ट अंडर आई जेल, ये बहुत ही अच्छा जेल है। इसका भी मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर रूटीन जो शेयर किया था उसमें आपको बताया है, तो जस्ट मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही इसका लाइट सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो जस्ट आपको अपनी फिंगर की हेल्प से इसको राउंड राउंड करना है एंड अप्लाई करना है बहुत ही हल्के हाथों से, बिकॉज जो हमारा अंडर आई एरिया जो होता है स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसको मसाज कर लूंगी अपने फेस पे 1-2 सेकंड तक, जब तक आपका ये एब्जॉर्ब ना हो जाए आपको तब तक मसाज करनी है अच्छे से। तो दैट्स इट, आप देख सकती हो मेरी अंडर आई एरिया पे मैंने अपना मतलब आई लिफ्ट लगा लिया है, ये बेला वीटा का था। अगर आपके पास ये नहीं है तो काफी ऑप्शंस है मार्केट में, आप लोग देख लेना, बट अभी मेरे पास तो सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस थे आपको दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट लिप बाम। तो लिप बाम के लिए भी मेरे पास काफी ऑप्शंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो लिप बाम्स के लिए मेरे पास ये 5 ऑप्शंस है आपके लिए, जो भी आपके पास हो या फिर वैसलीन हो ओरिजिनल वाली आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप वही लगाओ, बट मैं जस्ट आपको आपके नॉलेज में रख रही हूँ कि आप इनको भी विंटर्स में ट्राई कर सकती हो, काफी अच्छे हैं ये। मेरे पास पहले है ये मैबलिन का, ये है मेरे पास पिंक वाला वेरिएंट, फिर मेरे पास है ये नीविया का, ये वाटरमेलन वेरिएंट है, देन मेरे पास है ये बायोटिक के 2 लिप बाम्स, आप देख सकते हो एक है बायो फ्रूट एंड एक है बायो बेरी, ये दोनों ही अच्छे लिप बाम्स हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लास्ट मेरे पास है मेरा फेवरेट जो मैं अभी यूज कर रही हूँ काफी, ये है कलर इसेंस का, ये स्ट्रॉबेरी वेरियंट है, आप देख सकते हो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बिकॉज अभी मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ। ये आपको थोड़ा बहुत टिंट भी देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने लिप्स पे ही लगा लिए हैं, मेरे लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा इसने टिंट भी दिया है जो कि मुझे काफी पसंद आया है। तो दैट्स इट, मेरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुका था जो मैं एक्चुअल में करती हूँ। तो दैट्स फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी अभी आपको मैंने दिखाए हैं ये सारे खुद से अपने पैसों से बाय किए थे, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है। ये था मेरा स्किन केयर रूटीन फॉर विंटर्स, आपने होपफुली वीडियो एंजॉय की हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।